दोस्तों हो चुकी है बारिश। देखिए कैसी बारिश हो रही है, पहाड़ क्रॉस करना था, फिर बारिश शुरू। दिक्कत आ रही है बहुत ही ज्यादा। ये देखिए पीछे भयंकर बारिश, एक पेड़ के नीचे रुके हुए हैं, और ये देखिए बाइक, और बहुत ही तेज बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप। तो भाई लोगों कोशिश हो रही है आग जलाने की, ये देखिए, और ये देखिए बारिश बहुत ही तेज। ये देखिए कैसे नदी आ चुकी है, रोड नदी बन चुकी है, और हमारे यहाँ पर आग जल रही है। और कुछ आस तो देख सकते हैं, देखिए भीग भीग के बुरे हाल हो चुके हैं, पानी अभी भी नहीं रुक रहा है। ये देखिए मतलब लगता है कि हमारी आग शायद से नहीं जलेगी। जल जा जल जा। तो दोस्तों ये देखिए लावा थाज कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय सिराज, लावा थाज। ये देखिए लावा थाज कॉलेज के क्लासरूम। ओ भाई साहब व्यू कतई भयंकर व्यू। ये देखिए वादियां, हसीन वादियों जहड़ी की, और जा रहे हैं शड़ाधार की ओर। प्लान चेंज शड़ाधार की ओर, हमारा प्लान चेंज हो चुका है। पहले जा रहे थे हम थुदाक, और अब जा रहे हैं शड़ाधार। गाइस ये देख सकते हैं आप, सीएम विकास योजना के तहत ये हमारे उठाऊ जल योजना, हमारे जयराम जी का आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ पे भी उठाऊ जल, वो देख सकते हैं आप वहाँ पे, ये बिल्कुल ऊपर टॉप शटाधार तक गई हुई है सारी लाइन, और वहाँ पे बना हुआ है 10,000 नहीं 1,00,000 लीटर, 1,00,000 लीटर की कैपेसिटी वाला एक ह्यूज टैंक, वाटर टैंक बना हुआ है वहाँ पे। इसी पाइप के जरिए देख सकते आप, इसी पाइप के जरिए पानी आएगा और वहाँ पे कलेक्ट होगा, और पूरे क्षेत्रवासियों को जो है पानी का लाभ मिलेगा। और ये देखिए जंजाली, अभी धुंध है फिलहाल तो गाइस लगता है कि सफर में एक बार फिर से रुकावट होने वाली है, क्योंकि रोड आगे ब्लॉक है शायद से। ये देखिए जेसीबी लगी है, गाइस अभी भी रोड खुला है, पीछे कम से कम आधे घंटे का जाम लगा था, उसके बाद फाइनली रोड खुल चुका है। मेरे पीछे भी गाड़ियाँ चली, अभी आगे चली है जेसीबी, और ये देखिए जेसीबी लगता है कि हैवी ड्राइवर। देखिए बाइक से भी तेज दौड़ाई है बंदे ने, वाह देख रहे लाइक दृश्य भाई, हैवी ड्राइवर, सिराजी ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, कतई प्रो ड्राइवर बन रहे हैं जेसीबी वाले। खतरों के खिलाड़ी, और एक बार फिर से रुकना पड़ेगा। ये देखिए गाड़ियां खड़ी है, लगता है कि रोड ब्लॉक। तो गाइस लगता है कि हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है, क्योंकि ये रोड ब्लॉक है, रोड खुलने वाली है नहीं। ये सफर यही समाप्त होता हुआ रोड के बंद होने के कारण। तो गाइस आ चुकी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, रोड हो चुकी है ब्लॉक, तो जिसके कारण अब लगता है कि हमारा
आज का जो टारगेट था वो नहीं हो पाएगा क्योंकि रोड जगह जगह पर ब्लॉक है और जिसके कारण से दिक्कतें बहुत आ रही है और आखिरकार हम एक जगह पर फंस गए। कम से कम यहाँ से लगभग 15 या 16 किलोमीटर की दूरी पे शेटाधार है तो फंस चुके हैं। लगता है कि ये सफर यहीं तक हो, तो गाइस लगता है कि हमें यहीं से वापसी जाना पड़ेगा। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि अगर आप बरसात में अगर कहीं का टूर बनाते हो तो पहले मौसम तो देख ही लेना और रोड का सबसे पहले रोड का पता कर लेना कि रोड कैसी है, क्योंकि आज हम कम से कम 10 जगह पर फंस चुके हैं और फाइनली एक जगह पर बहुत ही रुक ही चुके हैं। अब लग रहा है कि बिल्कुल ही वापस। आपको भी रहा है कि बरसात के टाइम में पहाड़ों क्योंकि पहाड़ों में रहना और घूमना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है बरसात के टाइम में। हालांकि तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही क्लोज करने वाला हूँ क्योंकि अब सिराए घर निकलने वाला हूँ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अभी के साथ क्या रहेगी। अब चलिए, बाय बाय।